आज के समय में अगर कोई आपसे कहे कि वो आत्माओं से बातें करता है, तो क्या आप मानेंगे? यकीनन आप नहीं मानेंगे, क्योंकि दुनिया में अंधविश्वास इतना बढ़ गया है कि कोई अगर आपसे सच भी कहे तो आप उस पर जल्दी विश्वास नहीं करेंगे। लेकिन आज हम आपको एक ऐसे शहर के बारे में बताने जा रहे हैं जहां एक दो लोग नहीं बल्कि वहां की आधी आबादी आत्माओं से बातें करती है। अमेरिका का कासाडागा टाउन दुनिया के सबसे विचित्र शहरों में से एक है। इस शहर को साइकिक कैपिटल के नाम से भी जाना जाता है। कहते हैं कि यहाँ रहने वाले अधिकतर लोग मनोविज्ञान के जानकार हैं और वो मरे हुए लोगों यानी कि आत्माओं से बातें करने का दावा करते हैं। इस टाउन को न्यूयॉर्क के आध्यात्मिक गुरु जॉर्ज कॉल्बी ने साल 1875 में बसाया था। पहले यहाँ बहुत कम लोग थे, लेकिन बाद में धीरे धीरे यहाँ दूसरे शहरों से भी लोग आकर बसने लगे और वो खुद भी आध्यात्मिक गुरु बन गए। आज के समय में इस शहर में 100 से अधिक आध्यात्मिक गुरु हैं जो आत्माओं से बातें करने का दावा करते हैं। उनका कहना है कि उनके अंदर ऐसी शक्ति मौजूद है जिससे वह माध्यम बनकर या अन्य तरीकों से परलोक गए व्यक्तियों की आत्माओं से संपर्क कर सकते हैं। कहा जाता है कि हर साल यहाँ हजारों लोग बुरी आत्माओं से मुक्ति पाने के लिए आते हैं। इस शहर की अर्थव्यवस्था का ये एक प्रमुख आधार भी है। यहाँ के आध्यात्मिक गुरु दावा करते हैं कि वो टैरो कार्ड्स और हस्तरेखाओं को पढ़कर आत्माओं से संपर्क करते हैं।